बाल्को संयंत्र एक की झांकी ने कोरबा के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2014 में बाल्को का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें झांकी को अशासकीय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। कोरबा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला कंवर के हाथों बाल्को को पुरस्कार दिया गया। बाल्को के प्रशासन सह प्रबंधक श्री प्रभाकर सिंह चौहान ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर कोरबा के महापौर श्री जोगेश लांबा, कलेक्टर श्री रजत कुमार और एसपी श्री रतनलाल डांगी, बाल्को सेंट्रल गैरेज के सह महाप्रबंधक श्री सीएन बनर्जी सहित अनेक बाल्को अधिकारी मौजूद थे। संयंत्र एक की झांकी के माध्यम से रणनीतिक महत्व के उपकरणों में एल्युमिनियम की भूमिका और देश के विकास में बाल्को के योगदान से अवगत कराया गया। संयंत्र एक की झांकी ने बाल्को नगर के डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में भी द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह में फायर हेल्थ एंड सेफ्टी की झांकी पहले स्थान पर रही। झांकी में मुंबई के होटल ताज पर हुए आतंकी हमले और पीड़ितों की जान बचाने और आग बुझाने में अग्निशमन कर्मियों की भूमिका प्रदर्शित की गई। पुलिस ने एक आतंकी को बंधक बनाया तथा बाकी को मार दिया है, परंतु इस हमले में हमने ही हमारे प्लांट दो की झांकी तीसरे स्थान पर रही। झांकी के माध्यम से बाल्को के अनेक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। नई नई उपलब्धियों को हासिल करना है, इस तरह से हम देख पाते हैं को उन्होंने ध्वस्त किया और उन माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकीर्तन माँ तुम्हारा। श्री रमेश नायर ने मार्च पास्ट, प्रीति ड्रिल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले स्कूलों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कुमारी अरुणिमा कर्मा एनजीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय कहूंगा। 65वें गणतंत्र दिवस पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री रमेश नायर ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के 7 और छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के 2 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर गौरव पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया। इसी को दसवीं से एमजीएम हायर सेकेंडरी, इसी कड़ी में मैं सेंट्रल बोर्ड से दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र भी उन्होंने 10 CGPA प्राप्त किया है।